प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में जो इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है उन चीज़ों को हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पांच छह कन्वर्जन है जो इस वीडियो में अपन कवर करेंगे और दूसरे वीडियो में दूसरे कन्वर्जन उनको भी करने की कोशिश करते हैं। चलिए, नाउ फर्स्ट है दैट हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू मिथाइल बेंजोएट। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका कन्वर्जन है उस कन्वर्जन को आप सबसे पहले क्या करो, बेंजीन है ना, उसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मिथाइल बेंजोएट में आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो वो लिख लो कि मिथाइल बेंजोएट क्या है, ताकि आप लोगों को थोड़ी चीज़ें क्लियर होगी कि आपको उसको कैसे करना है। दैट इज योर मिथाइल, वही आपका है बेंजोएट पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका मिथाइल बेंजोएट। क्लियर, अब देखते हैं हम लोग उसको कन्वर्ट कैसे करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या होगा कि यहाँ पर सी ओ एच आए, और सी ओ एच लाने के लिए हम लोगों को जो जो चीज़ें करनी है वो सब चीज़ हम लोग देखते हैं कि कैसे आपको करना है। देखना, बेंजीन इसको आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, क्या यहाँ पर लाना पड़ेगा आपको सी, इसका मतलब मिथाइल अगर ओपन ले आए तो मिथाइल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए आपको सी एच थ्री सी एल फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को अपन लोग बोल सकते हैं, है ना, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन करा देंगे इससे। तो देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, इससे आपको यहाँ पर मिल रहा है ये सी एस क्या मिल गया मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप का आप क्या कर दो बेटा, अल्कलाइन के एन ओ फोर की प्रेजेंस में आप इसका अगर ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ठीक, अल्कलाइन के एन ओ फोर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन अगर हम इसका कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये देखो ये मिल जाएगा बेटा आपको बेंजोइक एसिड मिल गया। अब बेंजोइक एसिड का अपन फर्दर अगर कन्वर्जन करें किसके अंदर करना है, अब आपको चाहिए क्या है, यहाँ पर चाहिए आपको सी एच थ्री। तो देखो आप सी ओ ओ सी एच थ्री ये आपने को चाहिए, ये अभी अपने पास है। देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मेथनॉल से रिएक्शन अगर हम लोग करा दें, किस रिएक्शन करा दें, मेथनॉल से एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन करा दें सी एच थ्री ओ एच मेथनॉल है, इसकी एसिडिक मीडियम मतलब एच टू एस ओ फोर या एच प्लस भी लिख सकते हैं आप, ठीक। तो ये जो पार्ट है सी एच थ्री ये यहाँ चला जाएगा और ये एच और ये ओ एच बन के माइनस एच टू बना के बाहर, और आपको क्या मिल गया जो आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट था सी ओ ओ सी एच थ्री, दैट इज योर मिथाइल बेंजोएट। क्या मिल गया आप लोगों को, मिथाइल बेंजोएट। अब हम लोगों को कन्वर्ट करना है बेटा, एक चीज़ और है कन्वर्जन में जो कि इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वैसे तो दो चार पांच कन्वर्जन हम कम करके देखते हैं। बेंजीन टू मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजीन को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, अगेन बेंजीन टू मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। देखो बेंजोइक एसिड है मेटा नाइट्रो है, तो यहाँ तक का तो आपका काम बिल्कुल सेम हो गया, यहाँ तक का आपका काम बिल्कुल सेम हो गया, मतलब यहाँ से अपने को गाड़ी अलग करनी है, यहाँ से अपने को क्या करनी है, गाड़ी अलग करनी है। यहाँ पर देखना हमें क्या बनाना है, हमें मेटा नाइट्रो, ये नाइट्रो पार्ट है, यहाँ तक तो कामकाज बिल्कुल सेम चलेगा, बेंजीन एनहाइड्रस एल सी एल थ्री ये इसका केमिनोफोर प्रेजेंस में ये बेंजोइक एसिड आ गया। अब आप जो केसिड चेंज होगी बेटा वो कहाँ से होगी, आपकी यहाँ से चेंज होगी, ठीक। बेंजोइक एसिड को अब आपको है ना नाइट्रो पार्ट इसका मेटा पोजीशन पे कैसे लाना है, तो यहाँ पर अब इसका करके हमें नाइट्रेशन करेंगे HNO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, देखते हैं हम लोग यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेटा, ये देखिए आप सी ओ एच को यहीं रहेगा सी ओ एच एज इट इज एंड नाउ NO2 इज हियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं चीज़ों को और आपको मेरे ख्याल से बहुत क्लियर हो जाएगा। देखो कुल मिला के ये कार्बोक्सिलिक पार्ट यहाँ के जुड़ा, ये तक तो सेम था, बस हमने चेंज यहाँ से किया है इसके अंदर, कहाँ से, ये वाले पार्ट से हम लोगों ने इसके अंदर चेंज किया है। अब अगर कोई चाह रहा है कि हाँ मुझे पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड चाहिए तो वो क्या करेगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड HNO3 अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पर पैरा और ऑर्थो पोजीशन भी आ जाएगी, तो वो भी हमारी चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी यहाँ से। अब हम लोग अगर देखें दूसरा कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो अब देखते हैं कि बेंजोइक एसिड से आपको किस में कन्वर्ट करना है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। दैट हाउ टू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू बेंजल्डिहाइड, तो ये देखते हैं ये कन्वर्जन कैसे होगा।
बेंजल्डिहाइड में करना है इसको, मतलब इसका क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसा दिख रहा है कि रिडक्शन टाइप कुछ करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एसिड बेंजोइक एसिड इज हायर पार्ट रादर देन एल्डिहाइड। देखें ये आपका क्या है बेटा, बेंजोइक एसिड, ये हो गया बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड को आपको कन्वर्ट करना है इसके अंदर बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट करना है, COOH को आपको इसमें कन्वर्ट करना है CHO में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ऐसे इसको कंडीशन में लाएं कि इसका रिडक्शन इजीली हो सके। तो वो कंडीशन क्या रहेगी बेटा, समझो आप SOCl2 से अगर इसका रिएक्शन करा देते हैं तो देखो ये SO, ये एक O अगर यहाँ से निकल के इसके अंदर ऐड हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, SO2 बन के बाहर हो जाएगा। ये जो Cl है ये एक HCl बन के बाहर हो जाएगा, यहाँ से ये HCl बन के बाहर हो गया। अब यहाँ इसके पास बचा क्या, वो देखो आप, इसके पास बचा है यहाँ पर C2 और ये Cl। ये आपको देखा ऐसा कुछ दिख रहा है RCOCl, अगर आप लोगों में याद आया हो तो RCO और Cl है ना, एस्टाइल क्लोराइड इसके अपन रिएक्शन कराते थे। ये रोजेनमुंड रिडक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि एल्डिहाइड बनाने की एक प्रोसेस भी थी, ठीक, क्या किया था उसके अंदर हम लोगों ने क्या रिएक्शन करी थी, हमने पैलेडियम लिया था किसकी प्रेजेंस में, बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, अगर हमने क्या लिया था पैलेडियम, इसने हमको क्या दिया था बेटा रिडक्शन करके, इसका रिडक्शन करके हमको क्या मिला था एल्डिहाइड मिला था। तो यहाँ पे जो हमको क्या मिल जाएगा, ये आपका एल्डिहाइड यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये जो कन्वर्जन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।